हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लक्ष्मी ब्यूटी एंड हेल्थ टिप्स। हमेशा की तरह अपने इस वीडियो में मैं राखी शुक्ला आपका स्वागत करती हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम अपने इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं थायराइड की। जी हाँ, इससे आप सभी परिचित है कि थायराइड क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है और इसका इलाज क्या है। आज अपने इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी थायराइड के बारे में और साथ ही बताऊंगी इसके एक रामबाण घरेलू नुस्खे के बारे में, जिससे आप अपना थायराइड घर बैठे आसानी से बिना किसी एक्सरसाइज और दवाई के कम कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, चलिए बात कर लेते हैं थायराइड। जैसे कि आप सभी को पता है फ्रेंड्स कि थायराइड एक तितली के आकार का ग्रंथि है, यानी कि ग्लैंड है, जो कि ठीक आपके एडम्स एप्पल, जो लड़कों में ये जिसे घोंगा कहते हैं, ये एडम्स एप्पल यहाँ पे होती है, एडम्स एप्पल के नीचे यहाँ पे। अब इसका काम क्या है फ्रेंड्स, ये आपकी बॉडी में कई सारे गतिविधियों को कंट्रोल करती है, जैसे कि सांस अंदर बाहर करना, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल कम करना हो, या फिर आपका हृदय की गति हो, यानी जो हार्ट बीट है उसे कंट्रोल करता है थायराइड ग्लैंड, और आपकी जो पाचन क्रिया है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है, जैसा कि फैट की अब्जॉर्प्शन है, प्रोटीन की अब्जॉर्प्शन है, कार्बोहाइड्रेट की अब्जॉर्प्शन है, तो ये सारी प्रोसेसेस, जैसे चाहे वो ब्रीथिंग हो, कोलेस्ट्रॉल हो, हृदय की गति हो, हार्ट बीट हो, या फिर फैट अब्जॉर्प्शन हो, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट, यानी आपकी जो पाचन क्रिया है, उस इन सभी प्रोसेसेस को कौन कंट्रोल करता है, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि। और ये ग्रंथि ठीक तितली के आकार की होती है, यहाँ पे होती है, जो आपका गर्दन की कॉलर बोन है ठीक उसके आगे की तरफ एडम्स एप्पल से नीचे यहाँ पे। अब इसका क्या क्या काम है मैं आपको बता देती हूँ, काम मैंने आपको बता दिया है। अब ये दो तरह के हार्मोन बनाती है, एक T3 जिसे ट्राई आइडोथायरोनिन कहते हैं, और एक T4 यानी थायरोक्सिन हार्मोन। ये दोनों ही हार्मोन मिलकर इन सारी गतिविधियों को कंट्रोल करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा ये दोनों हार्मोन जब हमारे शरीर में असंतुलित हो जाते हैं, यानी इनका इम्बैलेंस हो जाता है, यानी शरीर में अगर कोई चीज ज्यादा मात्रा में बनने लगे तो भी नुकसान करती है, कम मात्रा में बनने लगे तो भी नुकसान करती है, यानी हर चीज को शरीर की आवश्यकता अनुसार ही बनना चाहिए। यानी जब इन दोनों हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाता है तो आपको कौन सी बीमारी होती है, थायराइड की। जी हाँ, चलिए इसके साथ हम बात कर लेते हैं थायराइड में होता क्या क्या है लक्षण, जैसे आपको चिड़चिड़ापन हो गया, डिप्रेशन हो गई, पीरियड्स की अनियमितता होगी, यानी पीरियड्स समय से नहीं आएंगे, 10 दिन 5 दिन लेट हो जाएंगे, या कई बार हो सकता है टाइम से पहले पीरियड्स आ जाए, 15 दिन पहले ही आ जाए, महीने में 2-2 बार आ जाए, चिड़चिड़ापन, मांसपेशियों में कमजोरी, अनिद्रा, यानी आपको ढंग से नींद नहीं आया करेगी, मांसपेशियों में हाथ पैर में चलने में कमजोरी होगी, हो सकता है आपके घुटने सही ढंग से काम ना करे, कैल्शियम की कमी हो जाए, घुटने हड्डी घुटने टाइट हो जाए, ग्रीस की कमी हो जाए, थकान, हर वक्त थकान महसूस करें आप, चिड़चिड़ापन महसूस करें, डिप्रेशन हो जाए, पसीना ज़्यादा आए, आप ज़्यादा से ज़्यादा भी खाएं फिर भी आपका वजन घट रहा है, अचानक से वजन घट रहा है या बढ़ रहा है, तो ये सारी इस बात की ओर इशारा करता है कि आपको थायराइड की बीमारी है। चलिए, हमने इसके लक्षण जान लिए, अब जानते हैं इसके घरेलू उपाय के बारे में। मेरा रामबाण आज के घरेलू उपाय ये है कि अगर आप एक चम्मच अश्वगंधा चूर्ण रात को सोते समय गुनगुने पानी के साथ लेते हैं, रोज रात को सोते समय एक चम्मच अश्वगंधा चूर्ण गाय के दूध के साथ, गुनगुने दूध के साथ पीते हैं, तो इससे आपका थायराइड विद इन 1 मंथ 50% और 75% तक कम आ जाएगा, और अगर आप 3 महीने कंटिन्यू करते हो, 3 महीने के बाद टेस्ट कराते हो तो आपका ठीक हो जाएगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अश्वगंधा चूर्ण या अश्वगंधा पतंजलि का भी आ जाता है चूर्ण, और या फिर अश्वगंधा की जड़, अगर आपको पेड़ पड़ता है, अश्वगंधा की जड़ या अश्वगंधा का पत्ते, इनको पानी के साथ गर्म पानी में उबाल कर इनके रस को निचोड़ कर छन्नी लेकर, छन्नी से नीचे रस आ जाएगा गर्म, जब 1/4 रह जाए पानी में उबाल लीजिए, फिर उसके बाद इसकी जड़ को, पत्तियों को उबाल कर इसका जो 1/4 रह जाए काढ़ा सा, उसे ले लीजिए, पी लीजिए, तो इससे भी आपका जो थायराइड है वो 75% कम हो जाएगा, और अगर आप 3 महीने कंटिन्यू करते हैं तो आपका थायराइड जड़ से खत्म हो जाएगा। तो आज का आपका मेरा वीडियो कैसा लगा, इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं राखी शुक्ला फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।